क्वेश्चन नंबर देखना बेटा आप लोग, फोर देखना फोर। एक व्यापारी ने अपहार की दर को 20% से 25% कर दिया, विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की परिवर्तन किया जाए कि व्यापारी को प्राप्त धनराशि वही रहे। ठीक है, अ ट्रेडर अलर्टेड स्टेट फ्रॉम, लिखा है 20 से 25% कर दिया, मतलब 20% से 25% कर दिया। ठीक है, क्या दे रहा बेटा इधर, एक व्यापारी ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, व्यापारी ने डिस्काउंट को 20 से 25% कर दिया ताकि कस्टमर क्या कर सके, फायदे में आ सके। 20 से क्या कर दिया उसको, 25% कर दिया। अब हमको ये बताना है कि कितने परसेंट का उसको फायदा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ मतलब उसको कोई भी पैसा एक्स्ट्रा कम या ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। देखते हैं हम लोग इधर, माना कोई भी सामान का जो मूल्य है, माना विक्रय मूल्य है सामान का जो भी मूल्य है, माना विक्रय मूल्य लिख देते। ठीक है, अंकित मूल्य जो सामान में लिखा रहता है, रेट अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। ठीक है, तो पुराने अपहार की दर माइनस पुराने अपहार, पुराना अपहार लिख देता। ठीक है, इंग्लिश में लिखूंगा तो इजी रहेगा। वैसे पुराना अपहार कितना होगा, 20%। ठीक है, यहाँ ऐसा लिखता माइनस 20% पुराना अपहार। ठीक है, 20 रुपए कितना जाएगा, ये 80। ठीक है, ये पुराने के हिसाब से। अब नए के हिसाब से अंकित मूल्य कितना है, इंग्लिश में लिख देता। ठीक है, अंकित मूल्य बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए था, 100 रुपए था माइनस 25% न्यू डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड डिस्काउंट लिख देना इंग्लिश में, 25% 100 25% कितना जाएगा, 25 माइनस कर दो 75। ठीक है, तो बट्टे में परिवर्तन जो चेंजेस इन डिस्काउंट है ना, चेंज इन डिस्काउंट। ठीक है, कितना 80 माइनस 75 कितना गया, 5 रुपए। अगर आप रुपए लिखेंगे तो ठीक है, बट्टे में परिवर्तन। अब दुकानदार ये बोल रहा है कि अगर मैं 20 से 25% कर दिया, ठीक है, पर मेरे को अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, ये सेलिंग प्राइस को अगर मेरे को बढ़ाना है, जैसे पहले ये पहले 80 रुपए में बेचा था, ठीक है, अब कितने में बेच रहे हो, अगर 75 में बेचेगा तो उसको पैसा कम मिलेगा, इसको वापस 80 में बेचना है तो अपना जो अंकित मूल्य जो रहा है जो 100 रुपए उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट दे। ठीक है, वो क्या करेगा, इस 100 को 106 107 108 कर देगा, उसमें 25% डिस्काउंट दे तो 80 रुपए मिलेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो रेट बढ़ा के उसको 25% कर रहा है, तो कुल मिलाकर उसको अभी भी कितना मिलेगा, 80 रुपए मिलेगा। हमको वाला रेट नहीं पूछ रहा कि कितना परसेंट, हमको पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना बढ़ा दे विक्रय मूल्य में। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, विक्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स प्राइस परसेंटेज, या सेल्स परसेंटेज शॉर्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 5 रुपए बढ़ाना है मतलब, ठीक है, कितने रुपए में, 75 रुपीज में इंटू 100 कर दो, कितना परसेंट आ रहा देखो, ये आ गया हमारा 6.66667% लिख दो। ठीक है, आप यहीं पे 6-7 लिख सकते हो, या फिर 6-6-6 करके 7% लास्ट में। ठीक है, 3-3 रहे तो 3-3 करके लिख देते हैं, बस 6-6 रहेगा तो 6-6 करके 7 करके परसेंटेज को राउंड फिगर में लिख देते हैं। ठीक है, लगभग भी लिख दो कितना होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या लिखा है, मेसर्स बुक सेंटर फर्म अंकित मूल्य पर 20% अपहार देता है, 20% का डिस्काउंट देता है अंकित मूल्य मतलब लिखे हुए रेट पर, अब 25 पुस्तक को 24 गिनता है ना, मतलब एक पुस्तक उसको डिस्काउंट में देता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है
कम किए गए मूल्य में 2.5% का अतिरिक्त अपहार भी देता है। हम लोग उस दिन क्या गड़बड़ कर रहे थे कि 2.5% हम लोग 24 से 25 पे निकाल के देख रहे थे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये बताना कि एक पुस्तक कितने रुपए में मिलता है। एक पुस्तक अंकित मूल्य कितना है? 1 रुपए। ठीक है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, 1 रुपए। तो 25 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 25 रुपए होगा ना। 24 पुस्तक का मूल्य 24 रुपए। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है, तो उसको पुस्तक अपहार कितना मिला? एक पुस्तक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो पुस्तक अपहार, अपहार का मतलब क्या होता है? अपहार का मतलब होता है यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, बुक डिस्काउंट बोल सकते हैं। तो कितना रुपए है? 25 पुस्तक 24 गिनता, मतलब 1 रुपए डिस्काउंट उसको मिल गया, मतलब 25 रुपए के बुक को 24 रुपए गिन रहा है वो, 1 रुपए उसको बुक डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, फिर व्यापारी बट्टा कितना देता है उसको? व्यापारी बट्टा जो शुरुआत में दिया था कितना? 2.5% नहीं होता, अतिरिक्त बट्टा है। व्यापारी बट्टा कितना बोला? ट्रेड डिस्काउंट 20% बोला है। कितने पुस्तक पे निकालेगा? 25 पे कि 24 पे? वो 24 गिनता है, 25 तो गिनता ही नहीं, वो गिनता कितना है? 24। तो 24 रुपए का 20% कितना है? 24 × 48 4.80 रुपए। ठीक है, फिर अतिरिक्त बट्टा, अतिरिक्त बट्टा किसको देगा? देखो 25 पुस्तक को 24 गिना, 1 रुपए डिस्काउंट ये हो गया, फिर 24 पुस्तक पे 20% ये डिस्काउंट दे दिया, 4.80 रुपए बच गया। ठीक है, तो शेष कितना बचा? शेष बचा 24 में 4.80 माइनस करेंगे तो आएगा 19 रुपए 20 पैसा, शायद एक बार चेक कर लो आप लोग, है ना। तो 19 रुपए 20 पैसे अतिरिक्त बट्टा किस पे मिलेगा? 19 रुपए 20 पैसे पर अतिरिक्त बट्टा। मैं यही गड़बड़ करता था, 24 रुपए पे निकाल रहा था, वही हमारा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, कितना? 19 रुपए 20 पैसे पर 2.5%, 2.5 ऐसे लिखा ना, प्रतिशत में सौ, तो 2.5 को क्या लिख सकता मैं? 19 रुपए 20 पैसा इंटू 2.5 को लिख सकता 2.5 डिवाइड बाई 100। देखो कितना आ रहा है? 0.48 रुपए। तो पूरा थोड़ा है, अभी जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, बता देखो बेटा कुल अपहार कितना आया। चलिए यहां लिखता मैं कुल अपहार, 1 रुपए पुस्तक डिस्काउंट। ठीक है, 1 रुपए का पुस्तक डिस्काउंट, व्यापारी बट्टा 4.80 रुपए और अतिरिक्त बट्टा 0.48, टोटल कितना हो गया? टोटल डिस्काउंट, कुल अपहार मतलब टोटल डिस्काउंट इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश और इंग्लिश में लिख लेना, जो डाउट रहेगा मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ₹6.28 ठीक है, ये टोटल डिस्काउंट मिला कितने पुस्तक पर? 25 पुस्तक पर। वो 24 रुपए गिना था तो 1 रुपए बुक डिस्काउंट हो गया, 24 पे 20% और डिस्काउंट दिया तो 4.80 रुपए और 2.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया 19 रुपए 20 पैसे। ठीक है, मुझे टोटल 25 पुस्तक मिला, दुकानदार से ध्यान सुनना, मुझे टोटल 25 पुस्तक मिला और टोटल डिस्काउंट मिला 6 रुपए 28 पैसा। मान के चलो 25 पुस्तक रेट 25 रुपए, क्योंकि 1 पुस्तक रेट 1 रुपए था। ठीक है, 25 रुपए में मुझे 6 रुपए 28 पैसा मिला। अब मुझे डिस्काउंट अगर मुझे निकालना है कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला, तो 6 रुपए 28 पैसा डिवाइड बाई 25 × 100 करूंगा तो टोटल डिस्काउंट निकल जाएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बोला है कि हमको एक पुस्तक कितने रुपए में मिला। चलिए ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि तो एक पुस्तक कितने रुपए में मिलता है, हमको वही निकालना है, एक पुस्तक कितने रुपए में मिलता है। तो अब हम लोग को निकालना है एक पुस्तक कितने रुपए में मिलता है ना। ठीक है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य लिख देता हूं यहाँ पे, विक्रय मूल्य। टोटल कितना पुस्तक है? 25 पुस्तक। कितने रुपए डिस्काउंट? 6 रुपए 28 पैसा डिवाइड बाई 25 पुस्तक इंटू 100।
करो कितना आ रहा है 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 18.72 डिवाइड बाय 25 इनटू 100 कितना आया 4.68 हाँ नहीं ये 100 नहीं आएगा मैं परसेंटेज निकालता तो 100 आता ना 0.12 इसको से डिवाइड करो कितना आ रहा है देखो ठीक है इससे से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 0.7488 तो रॉन्ग फिगर में मैं इसको 0.75 है ना रुपए लिख दिया लगभग अप्रॉक्स ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हम लोग ठीक है एक प्रकाशक जो है पब्लिशर है वो 147 बुक्स की जगह पे 140 की जगह में 147 भेजता ठीक है 140 की जगह में 147 भेजता मतलब 7 बुक एक्स्ट्रा भेजता डिस्काउंट के रूप में उसके बाद 12.5% का ट्रेड डिस्काउंट देता है 12.5% का ट्रेड डिस्काउंट ठीक है उसके बाद देखा कि एक बुक का मूल्य कितना है 42 रुपीज व्यापारिक बट्टे की दर और पुस्तक का शुद्ध मूल्य याद कीजिए इसी को शुद्ध मूल्य बोलते हैं एक पुस्तक का जो यहाँ पे मैं विक्रय मूल्य लिखा ना एक पुस्तक का शुद्ध मूल्य लिखो ज्यादा अच्छा है ठीक है बेचने वाले को बेचने के लिए खरीदने वाले को खरीदने का मूल्य ठीक है तो सेम ऐसे ही निकलेगा यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा इसमें बताओ शॉर्टकट मार के दिखाऊं दिखाता हूं आपको ठीक है एक पुस्तक का रेट कितना है 42 रुपीज लिखा देगा क्वेश्चन में मिला आपको एक पुस्तक का मूल्य कितना है 42 रुपीज ठीक है एक पुस्तक का रेट हमारा 42 रुपीज तो देखो बेटा 42 रुपीज हो गया तो 147 बुक का मूल्य तो 147 इंटू 42 कितना आएगा जल्दी से करो आप याद कर लो 140 बुक का रेट 140 इंटू 42 कितना आएगा 6174 रुपए ठीक है और इसका 5880 रुपए ठीक है ध्यान रखना एक बुक का मूल्य कितना है 42 रुपए तो 147 बुक का कितना हो जाएगा 6174 147 बुक का 42 रुपए का तो इतना हो गया 140 बुक का इतना हो गया ठीक है तो पुस्तक का बाहर कितना मिला ये भी नहीं देता मैं ठीक है सात बुक का कितना होगा 7 × 42 294 ठीक है तो इधर देखना पुस्तक अपहार बुक डिस्काउंट पुस्तक अपहार कितना 7 बुक मिल रहा है उसको दुकानदार क्या करता है 140 बुक की जगह में 147 भेज देता है 7 बुक डिस्काउंट के रूप में भेज देता है तो 7 बुक एक्स्ट्रा भेज रहा है तो पुस्तक अपहार कितना हो गया बुक डिस्काउंट 294 रुपीज अब उसके बाद अलग से 12.5% का व्यापारिक बट्टा भी देता है व्यापारिक बट्टा किस पे देता है 12.5% कितने किस पे देगा 12.5% वो 140 बुक का ऑर्डर देता है 140 बुक पर देगा कितना 5880 रुपए पर 12.5% व्यापारिक बट्टा ठीक है कितना समझ में आया आपको ठीक है तो 5880 × 12.5 एक को दो से डिवाइड तो 0.5 आएगा परसेंटेज है तो डिवाइड में 100 लिख सकते हो आप कितना आया 735 रुपए इतना क्लियर है चलो ठीक है तो ये आ गया हमारा 1029 रुपए हमारा फुल डिस्काउंट आ गया ठीक है फिर मैं लिख देता हूं मैं ठीक है फुल अपहार कितना आया पहला डिस्काउंट था बुक के रूप में 294 रुपए 294 और ये कितना है व्यापारिक बट्टा जो है ट्रेड डिस्काउंट 735 ठीक है तो कितना है 1029 रुपए ठीक है अब एक पुस्तक का शुद्ध मूल्य कितना निकलेगा ये फॉर्मूला सेम ठीक है एक पुस्तक का शुद्ध मूल्य कैसे निकलेगा टोटल हम लोग 6174 रुपए का बुक हमको मिला है 147 रुपए का बुक मिला है 147 बुक मिला है कितने में 6174 रुपए में डिस्काउंट कितना मिला टोटल 1029 रुपए टोटल हम लोग 6147 रुपए का बुक बेचे हैं
1,000 रुपए 29 रुपए डिस्काउंट में 6,174 से डिवाइड कर देना, कितना रहा तुम्हें से उसको माइनस करने के बाद 5,145 इसको डिवाइड कर दो 6,174 से, ठीक है, माइनस करोगे इससे और उसको 42 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि एक बुक का रेट कितना है 42 रुपीज है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एक रुपए का पुस्तक था इसलिए एक से गुणा नहीं किए थे, पर यहाँ 42 रुपीज एक बुक है इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आगे हमारा 34.9999 आ रहा है, मतलब राउंड फिगर में आप लिखो तो 35 रुपए लगभग। हाँ। यह आ गया एक पुस्तक का शुद्ध मूल्य। अब हमको निकालना है कुल डिस्काउंट निकालना है ना, तो डिस्काउंट में इसके डिवाइड में इसको डाल दो, ठीक है, क्या बोला आपको वास्तविक बट्टे की दर है ना, तो वास्तविक बट्टे की दर भी निकाल देते हैं, यहां निकाल देता हूं मैं नीचे में वास्तविक बट्टे की दर, ठीक है, कितना आएगा 1,029 रुपए टोटल डिस्काउंट है, कितने रुपए पर 6,174 रुपए पर, इंटू 100 कर दो, कितना परसेंट आ रहा देख लो, ठीक है, आ गया हमारा 16.666 से 667% करके लिख दो लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है, पहले ये पार्ट फिर ये